चाचोड़ा तहसील के बीनागंज में आज मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण नौछावर करने वाले शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की पुण्यतिथि पर बलिदान दिवस NSUI एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया गया, जिसमें शहीद भगत सिंह को याद किया गया। साथ ही भगत सिंह अमर रहे के नारे भी कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाए गए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से NSUI प्रदेश महासचिव सौरभ यादव, प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि देवेंद्र मीना, मर्दन सिंह मीना, पूर्व जनपद अध्यक्ष महेश गोयल, राजेंद्र सिंह मीना, रानू मीना, रोहित मीना आदि सम्मिलित रहे। चाचोड़ा से ग्राउंड रिपोर्टर शिवम नामदेव की रिपोर्ट। देश के वीर सैनिक देवराज भगत सिंह जी की पुण्यतिथि में आज सभी वरिष्ठ कांग्रेस की मौजूदगी में सभी ने आज बीनागंज में मनाई। भगत सिंह के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत के पहले ऐसे क्रांतिकारी युवा जिन्होंने केवल इसलिए अपनी जान को कुर्बान किया देश के खातिर कि जो सोई हुई इस देश की जनता थी, जो जनता गुलामी की दास्ता में रहने की आदि हो गई थी, उन्होंने अपने महान नेता लाला लाजपत राय के खून का बदले लेने के लिए गांधीवादी सिद्धांतों को पलट के, क्योंकि हमारे सिद्धांत था कोई एक गाल पे चांटा मारे तो दूसरा आगे कर दो, या हम अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन उन्होंने उस दौर में युवाओं को ये प्रेरणा दी कि बिगर रिवेंज के बदले के जैसा हमारे साथ करेगा ऐसा ही हम बदला लेंगे और हम डरेंगे नहीं। ये पहले प्रेरणा स्त्रोत भगत सिंह थे, उनके दो साथी थे राजगुरु और भी साथी थे, उन्होंने सुखदेव और राजगुरु, इन्होंने तीनों ने व्यक्तिगत निर्णय लेके सांडर्स की जिन्होंने लाला लाजपत राय के हत्यारे के रूप में मसूर था उसको मारकर असेंबली में बम फेंका, वो जानबूझ के गिरफ्तार हुए और माफ़ी न चाहते हुए भी उन्होंने इसलिए कुर्बानी दी कि यदि हमारी जान जाती है और देश के युवाओं में आज़ादी के प्रति प्रेरणा होती है तो हमारी कुर्बानी व्यर्थ नहीं।